दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवजी एस्ट्रोलॉजी में। सावन में दिख जाए घर में चींटियां तो मिलता है ये संकेत। दोस्तों आज हम आपसे बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे, ये बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने वाले हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। चींटियों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। पर आज आपको हम बता दें कि दोस्तों चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होती है, एकता से रहने वाली जीव होते हैं। चींटियों के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्यों को उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडारण के लिए सारा व्यवस्था जानती हैं। नेटवर्क की दुनिया से अन्य नेटवर्क से ये बहुत बेहतर है। दोस्तों एक साथ चींटियाँ मिलकर एक पहाड़ को काटने की क्षमता रखती हैं और चींटियाँ हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों हम चींटियों की क्या क्या बात करें, चींटियाँ बहुत ही योग्य होती हैं और हमारे जीवन को एक पद प्रदर्शन की तरह बतलाती हैं। अगर आप देखते होंगे कि जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलता से घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो उसे समझाया जाता है कि, या जब भी मोटिवेशनल टॉस्क आप सुनते होंगे उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती हैं पर फिर भी वो चढ़ती जाती हैं, तब तक नहीं बैठती जब तक वो दीवार को पार नहीं कर लें। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस कोर्स है, उसमें चींटियों का यानी कि चींटियों की फ़ोटोज बहुत सारी होती हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आपको अपने जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही है, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है और आप हारने लगे, तो आपको भी चींटियों की ही तरह अपनी मनोयोग को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं। आपको आज हम बताने वाले हैं कि चींटियाँ आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती हैं या फिर अशुभ योग लेकर आती हैं, कौन सी चींटियाँ आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है और कौन सी जीवन में यानी आपको निगेटिव से भर देती है आपके जीवन को। दोस्तों अगर आपके भी घर में चींटियाँ हैं, आपके रसोई में चींटियाँ हैं, आपके गार्डन में चींटियाँ हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकते हैं। आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं, चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी ना दिखाई दे, और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। दोस्तों अगर आपके घर में चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा परंतु ज्योतिष में चींटियों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आज हम आपको बताएंगे कि चींटियां कैसे आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, आपके सेहत पर बहुत अधिक असर डाल सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज़्यादा है या फिर काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन चींटियों से। हमारे धर्म परंपराओं के अनुसार 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि में बुरे कर्म करने वालों को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती है और ग्रह में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो और आपको चींटियों को चावल का आरा डालना चाहिए। माना जाता है कि शनि भगवान की पूजा करते समय शनिवार के दिन अगर आप के पास काली चींटियां आ जाए, समझो भगवान शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हैं।
दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीटी में यानी मिला करके चूर्ण बना देते हैं, यानी चावल को चीनी से मिला करके चूर्ण बना करके चीटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपके कुंडली में या कोई दोष हो, चीटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख शांति और जीवन खुशनुमा हो जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है या फिर आती जा रही है, जीवन में बाधाएं आती जा रही है, तो चींटियों का एक छोटा सा उपाय करें। आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो उन्नति में आ रही बाधाएं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम, चींटियों को नारियल का सूखा पाउडर आप चाहें तो उसको घर पर ही बना लें, सूखा पाउडर आप चाहें तो उनको घर पर बनाकर और सूखे नारियल को काट कर उसका पाउडर बना सकते हैं और उसको थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स कर लें, चींटियों को आप उसमें डाल दें। निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो निगेटिविटी है, शक्तियां हैं आपके यानी कि जीवन में वास कर रही हैं, ये आपसे घर में आसपास वो सभी आपसे दूर हो जाते हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि थोड़े दिन में चींटियों का आपके आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का जो प्रकाश है बढ़ जाएगा। अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स कर लें और चींटियों को खिला दें तो इससे आपको नौकरी के योग बनते चले जाएंगे। और अगर आप किसी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज करनी पड़ रही है, आपको काफ़ी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल पा रही, तो आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे कि अगर आप नौकरी में नहीं है, बिजनेसमैन है, तो आपके बिजनेस में दुगनी यानी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। दोस्तों, सावन के महीने में ये उपाय करने से महादेव की कृपा बरसती है और सुख समृद्धि बरसती है। सावन के महीने में ये उपाय अगर कर लें तो महादेव साक्षात आपके घर में वास करने आते हैं, महालक्ष्मी जी वास करने आती हैं। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ा है तो आप का ये कर्जा भी उतर जाएगा इस उपाय को करने से। केवल बादाम के पाउडर से आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिला देनी है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगी, या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब है। सावन में अगर आपको चींटी, काली चींटी दिख जाए सपने में, तो ये भगवान विष्णु जी की कृपा है, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। दोस्तों, सावन के महीने में आपको अगर जैसे कि मान लीजिए कि लाल रंग की चींटियां आपके घर में हैं, तो लाल चींटियां क्योंकि ये काटती हैं और काली चींटियां कभी काटती नहीं हैं, तो लाल चींटियां हैं तो इन्हें भगाएं ना, इन्हें मारे ना, ये अपने आप ही अगर एक हफ्ते के अंदर आपके घर से चली जाएंगी तो इसका मतलब है कि महादेव की कृपा भी आपके घर में बरसने वाली है। सावन के पवित्र महीने में काली चींटियों का घर में आना शुभ संकेत है और सपने में दिख जाना शुभ संकेत है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक बहुत ही बड़ा अवसर यह है कि आपके घर में अगर चींटियां निकल आएँ तो उन्हें आप थोड़े से आप यानी कि जो भी आपके घर में जैसे कि लड्डू वगैरह बन गया है, मीठा में जो भी आपने बनाया है वो ज़रूर इन्हें खिलाएँ, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन वैभव तेजी से बढ़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से उपाय जरूर करें, कमेंट सेक्शन में लिख दें हर हर महादेव। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।